हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने टाइट्रेशन के बेसिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लेना और तभी आज की वीडियो पे आना। और अगर आप लोग को टाइट्रेशन के बेसिक्स पता है तो वो वीडियो देखे बिना भी आप लोग आज की वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। और इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो मेन चीज़ें देखी थी, ठीक है। एक था हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा था हमारा यहाँ पे क्या था, एंड पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता है तो आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एंड पॉइंट बेसिकली आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता था कि जो हमारा टाइट्रेंड था, ठीक है, और जो हमारा एनालाइट था, वो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते थे। क्या इक्वल हो जाता था? उनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा जो टाइट्रेंट है और एनालाइट है, ये दोनों इक्वल हो जाते थे इनके नंबर ऑफ मोल्स। अब एंड पॉइंट पे क्या होता था? एंड पॉइंट पे ये होता था कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे ही एक बूंद भी, जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा यहाँ पे ब्यूरेट था, ठीक है, ब्यूरेट, और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता था, ये दोनों यहाँ पे बैलेंस हो जाते थे, ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस हो गए। लेकिन अब बैलेंस होने के बाद, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो है, जैसे ही एक बूंद भी इसमें एक्स्ट्रा गिरती थी, वैसे ही क्या होता था, हमारा जो है ये जो सॉल्यूशन था, इसका नेचर पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। क्यों चेंज हो जाता था? जैसे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या हुआ, एसिड भी बराबर है, ठीक है, और बेस भी बराबर है, यानी दोनों यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब जैसे ही एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरी तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लो अगर नीचे हमारा एसिड था, ठीक है, एनालाइट अगर हमारा एसिड था, तो अगर हमारा ये टाइट्रेंट है बेस, ठीक है, तो जैसे ही इसकी एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लाइटली, मान लो 0.1 ml यहाँ पे गिरा तो बेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एसिड था तो बेस हो जाएगा, और अगर बेस था तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं हमारा एसिड था तो यहाँ पे ये बेस हो जाता है, ठीक है, और हमारी टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चल गई कि हमारी टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है एंड पॉइंट पता करना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इस एंड पॉइंट को पता कैसे लगाएंगे? तो आप लोग बोलोगे बहुत ही चाहिए, कल ही तो आपने बताया था यहाँ पे जितना हमारा जो है एसिड है, जैसे कल हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो फ्लास्क था, ठीक है, उसमें हमारा कितना एसिड था, 10 ml, ठीक है, तो ऊपर से हमारा जो NaOH था वो कितना आया था, 10 ml आया था, ठीक है, 10 ml, और जैसे ही 10 ml आया था यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया था, ठीक है। तो जैसे ही इसके बाद एक बूंद और गिरेगी, यानी 0.1 ml और गिरेगा, तो हम लोग पता लगा लेंगे अपना एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो बहुत ही चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कल मैंने आप लोग को एक बहुत ही स्पेशल केस बताया था, कल मैंने आप लोग को जो रिएक्शन बताई थी उसमें मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो हमारा HCl है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1 molar, ठीक है, और जो हमारा NaOH है इसकी भी कंसेंट्रेशन हमारी 1 molar है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कल जो आप लोग को केस बताया था वहाँ पे हमारी कंसेंट्रेशन दोनों की बराबर थी, ठीक है। तो जब कंसेंट्रेशन बराबर है तब तो हमारा जो है बराबर वॉल्यूम में जो है इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और उसके एक पॉइंट बाद हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसेंट्रेशन चेंज कर दूँ, यानी मान लो NaOH को मैं कर दूँ 0.5, ठीक है, और यहाँ पे HCl को मैं कर दूँ 0.1, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो है बराबर वॉल्यूम में एंड पॉइंट आएगा? यानी कि मान लो अब अगर हमारा जो है 10 ml HCl है, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि 10 ml NaOH गिर गया तो हमारा जो है इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो आखिरकार हम लोग अपने एंड पॉइंट को पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर का यही यूज होता है हमारे एंड पॉइंट को डिटरमाइन करना। तो यहाँ पर अब इंडिकेटर यहाँ पर हमारा कैसे काम करता है, तो अब आप लोग जो है मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर का, ठीक है। तो आप लोगों ने फिनोप्थलीन का नाम जो है ज़रूर सुन रखा होगा, आई होप सो सुन रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर हमारा होता क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इंडिकेटर होता है हमारा, ठीक है, कोई सा भी हो, फिनोप्थलीन हो, मिथाइल रेड हो, मिथाइल ऑरेंज हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है फिनोप्थलीन का। तो हमारे इंडिकेटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है अलग कलर शो करता है, और जो हमारा बेस होता है तो उसके अंदर हमारा इंडिकेटर जो है अलग कलर शो करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि यहाँ पे फिनोप्थलीन की, तो फिनोप्थलीन हमारा एसिडिक मीडियम में शो करता है कलरलेस, ठीक है, यानी अगर हम लोग एसिड में अपने फिनोप्थलीन को जो है मिलाएंगे तो कोई भी कलर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा,
और अगर इसी फिनोफ्थलीन को हम लोग अपने बेस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसको हम लोग एंड पॉइंट पता करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो आप लोग अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा ब्यूरेट, और ब्यूरेट में क्या होता है हमारा टाइट्रेंट जो हमें पता होता है, और ये क्या होता है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं टाइट्रेंट या फिर एनालाइट। ठीक है, तो एनालाइट के बारे में हमें पता करना होता है। तो हम लोग अपना कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कल हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे लिया था हम लोगों ने NaOH, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं HCl, ठीक है, और अब इसकी कंसेंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं थोड़ी सी अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा HCl है, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन हमें पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अपना फिनोफ्थलीन को ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम लोग जो है अपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को ऐड कर देंगे। अब देखो फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, HCl में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कलरलेस रहता है HCl में, ठीक है, यानी HCl हमारा एसिड है और फिनोफ्थलीन हमारा एसिड में क्या रहता है, कलरलेस। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन को ऐड करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह चेंज तो होगा नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी टाइट्रेशन को यहाँ पे जो है शुरू कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है NaOH जो है गिरना शुरू होगा, ठीक है, गिरना शुरू होगा। अब देखो गिरते गिरते एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, HCl और NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हमारे बराबर हो जाएंगे, और वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है कलर नहीं चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ना यहाँ पे एसिड ज़्यादा है ना तो यहाँ पे बेस ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन गया, ठीक है, सॉल्ट जो कि हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो है अभी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही जो है न्यूट्रल यहाँ पे जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, ठीक है, जैसे ही एक बूंद इसकी एक्स्ट्रा गिरेगी तो क्या होगा, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पे क्या होगा, जैसे NaOH हम लोग यहाँ पे NaOH लिए थे, तो NaOH की जैसे ही एक बूंद एक्स्ट्रा गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लो 0.1 ml बढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये क्या होगा, ये एसिड, ये हमारा एसिड था ना, तो ये हमारा एसिड से जो है बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो NaOH हमारा बेस होता है, तो जैसे ही यहाँ पे एक बूंद भी NaOH ज़्यादा आया तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा एसिड से बेस में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही हमारा ये बेस में कन्वर्ट होगा क्या होगा, फिनोफ्थलीन हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, और जैसे ही यहाँ पे ये बेस होगा वैसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर हमारा जो है पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर, और जैसे ही पिंक कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, हम लोग पता लगा लेंगे कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अपनी टाइट्रेशन को यहाँ पे बंद कर देंगे और अपनी रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिकेटर होता क्या है और इसको हम लोग जो है टाइट्रेशन में क्यों यूज करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे कैसे कलर चेंज करता है। ठीक है, कैसे यहाँ पे जो है इंडिकेटर का एसिड में अलग कलर होता है और बेस में यहाँ पे हमें जो है इंडिकेटर का अलग कलर देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, और काफ़ी कुछ आप लोग को आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो अब हम लोग जो है आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर हमारा क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जो है एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना जो है कलर चेंज करते हैं विद इन अ सर्टेन पीएच रेंज। अब पीएच रेंज आप लोग जो है अभी कंफ्यूज मत हो, हम लोग जो है अभी आगे देखेंगे, ठीक है, उसको। तो थ्योरीज की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वैसे तो इंडिकेटर्स के यहाँ पे जो है थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारी दो ही थ्योरी हमें पढ़नी है और दो ही बेसिकली हमारे काम की भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली होती है हमारी ओस्टवाल्स थ्योरी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओस्टवाल्स थ्योरी के बारे में। तो बात करें यहाँ पे ओस्टवाल्स थ्योरी की, तो इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो जनरली वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस होते हैं। यानी इन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारा कोई भी इंडिकेटर है, जैसे हमारा फिनोफ्थलीन है, तो इनके अकॉर्डिंग या तो फिनोफ्थलीन जो है वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। अब वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि वीक एसिड और वीक बेस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड होता है या तो वीक बेस होता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी थ्योरी में थी वो ये थी कि जो हमारे इंडिकेटर का कलर चेंजिंग नेचर होता है वो क्यों होता है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहली होती है हमारी अनायोनाइज्ड फॉर्म और दूसरी होती है हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिकेटर है उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अलग कलर होता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे अलग कलर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आप लोग पहले ये समझो कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा पता भी होगा, जैसे हमारा HCl होता है ना, तो HCl को जब हम लोग यहाँ पे डिसोशिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जब तक ये जो है कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये जो है आयन्स में ब्रेक हो जाता है, आयन्स क्या होते हैं, जैसे ये जो प्लस माइनस चार्ज आप लोगों को दिखता है, ठीक है, जैसे इसमें ब्रेक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे HCl हमारा इंडिकेटर नहीं होता है, हम मैंने बस आप लोग को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ओस्टवाल्ड सर की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे हमारा फिनोप्थलीन है तो इसकी यहाँ पे दो फॉर्म होंगी, ठीक है। फिनोप्थलीन की हमें यहाँ पे जो है दो फॉर्म देखने को मिलेगी, पहली होगी हमारी यहाँ पे अनआयोनाइज्ड, ठीक है, अनआयोनाइज्ड, ठीक है, और दूसरी होगी हमारे यहाँ पे आयोनाइज्ड, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में फिनोप्थलीन जो है अलग कलर शो करेगा और आयोनाइज्ड फॉर्म में जो है अलग कलर शो करेगा। अब हो सकता है हमारे यहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म हमारी एसिड में या फिर बेस में हो, वो तो हमारे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन लिया, ठीक है, कौन हमारा एनालाइट है, कौन हमारा टाइट्रेंट है। तो अब यहाँ पे देखो इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या बोला, या तो इंडिकेटर हमारे वीक एसिड होंगे या तो वीक बेस होंगे, ठीक है। यानी इनकी थ्योरी के हिसाब से हमारे दो केस हो सकते हैं, या तो हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड हो सकता है और या तो हमारा इंडिकेटर जो है वीक बेस हो सकता है। तो इन दोनों को हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट केस के बारे में, जिसमें जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे वीक एसिड है, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे फिनोप्थलीन का, क्योंकि जो फिनोप्थलीन है वो हमारा एक वीक एसिड इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को ध्यान से देखना, जैसे फिनोप्थलीन हमारा क्या होता है, यहाँ पे वीक एसिड इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिनोप्थलीन होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं HPS से, ठीक है, HPS। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसका जब यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है H प्लस और PH माइनस में, ठीक है, इतना समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखो इसकी दो फॉर्म हो गई, एक हो गई हमारी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और दूसरी हो गई हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म। और हमारे हमारे सर ओस्टवाल्ड ने क्या कहा है कि जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, उसकी दो फॉर्म होती है, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड में हमारा जो है अलग कलर होता है और आयोनाइज्ड में हमारा अलग कलर होता है। तो जो हमारा फिनोप्थलीन है, इसका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसका कलर होता है हमारा कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। और जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म है हमारे फिनोप्थलीन का, इसका कलर होता है हमारा पिंक, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड है तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो एसिड में बहुत कम होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एच प्लस आयन्स, ठीक है। अभी सबको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है, पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दैट मीन्स इन एसिड इट इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा अगर इंडिकेटर जो है वीक एसिड है, जैसे कि हमारा फिनोप्थलीन है, ये हमारा वीक एसिड है, तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो यहाँ पे एसिड में बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी कि एसिड में हमें ये जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, और हमें पता है कि फिनोप्थलीन हमारा जो है एसिड में क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड सर ने बताई है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्यों हमारा जो है फिनोप्थलीन जो है एसिड में जो है आयोनाइज्ड नहीं होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्यों होगा, इसको आप लोग समझना, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा HCl है, ठीक है, तो अगर HCl में हम लोगों ने जो है अपने फिनोप्थलीन को ऐड किया, ठीक है, HCl में हम लोगों ने अपने HPS को ऐड किया, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जो है कॉमन H प्लस आयन है, ठीक है, यानी इसमें भी H प्लस है और इसमें भी H प्लस है। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा यहाँ पे एक अलग टॉपिक है, बट अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, जैसे कि यहाँ पे दोनों के पास H प्लस है, तो होगा क्या ना कि इसका जो यहाँ पे, अब यार यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपली समझो, देखो HCl हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है, और HPS हमारा क्या है, फिनोप्थलीन हमारा वीक एसिड है ना, तो है तो ये भी एसिड। तो देखो एसिड एसिड दोनों सेम ही है, तो एसिड एसिड के अंदर आयोनाइज थोड़ी होगा, यानी कि समझ रहे हो ना, जैसे एसिड को एसिड के अंदर हम लोग डालेंगे तो आयोनाइजेशन थोड़ी होगा। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है वीक एसिड है तो एसिड के अंदर हमें जो है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे इस HPS को, ठीक है, यानी हमारे इस जो है फिनोप्थलीन इंडिकेटर को जब हम लोग बेस में ऐड करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे बेस हमारा हम लोगों ने लिया NaOH, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ऐड किया क्या है, HPH।
तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारे OH- माइनस आयन है ये हमारे इस H+ आयन के साथ जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा जो HPH है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, इसको जो है OH- माइनस यहाँ पे आयन आके इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो OH- माइनस ने यहाँ पे H+ के साथ मिलके क्या हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पे PH-, और ये जो PH- है ना यही हमारा यहाँ पे पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत ही शॉर्ट में समझो, देखो जब तक ये PH यहाँ पे जो है H के साथ कंबाइन फॉर्म में था, ठीक है, तब तक यहाँ पे ये कलरलेस था, ठीक है, तब तक यहाँ पे जो है ये क्या था कि आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे ये कंबाइन था तो यहाँ पे अपना कलर नहीं शो कर पा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे ये H+ अलग हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो PH- आयन है ये हमारे यहाँ पे अलग हो गए, और यहाँ पे जो PH- आयन है ये हमारे जो है पिंक कलर को शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर जो है यहाँ पे काम करता है। तो फिनोप्थलीन हमारा एक वीक एसिड इंडिकेटर है, तो एसिड के अंदर ये आयोनाइज नहीं होगा और बेस के अंदर ये आयोनाइज हो जाएगा, और जैसे ही आयोनाइज होगा यहाँ पे क्या होगा, पीएच माइनस आयन यहाँ पे अलग हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, बेस के अंदर हमें जो है इसका पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और यार देखो ऐसा है ना कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखो जितना यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है इतना आप लोग याद कर लेना, आप लोग को बस इतना लिख के आना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड केस के बारे में, जहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारा यहाँ पे वीक बेस है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है बिल्कुल सेम यहाँ पे वही प्रिंसिपल यहाँ भी लिखना है। अगर इंडिकेटर हमारा वीक बेस है तो देखो अगर वीक बेस है तो इसका आयोनाइजेशन यहाँ पे वीक बेस मतलब बेस के अंदर नहीं होगा, यानी बेस के अंदर हमारे यहाँ पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर वीक बेस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिड में फेयरली आयोनाइज हो जाएगा। यानी देखो हम लोग यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज हमारा एक वीक बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं MEOH से, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज MEOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या है OH, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे बेस में डिजॉल्व करेंगे, जैसे हमारा NaOH है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे NaOH में जो है अपने MEOH यानी कि मिथाइल ऑरेंज जो कि हमारा एक वीक बेस इंडिकेटर है अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, इसके अंदर इसका आयोनाइजेशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉमन OH- आयन्स है, ठीक है, और मतलब देखो बिल्कुल सेम समझो कि दोनों बेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन वगैरह नहीं होगा। तो हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमारा बेस के अंदर कैसा होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हमारा वीक बेस इंडिकेटर है, तो बेस के अंदर हमारा ये अनआयोनाइज्ड, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको एसिड में ऐड करेंगे, जैसे हमारा HCl में हम लोगों ने अपने मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया, तो क्या होगा, देखो ये जो हमारा HCl का H+ है ये यहाँ पे आके ब्रेक कर देगा इसको, ठीक है, और ये हमारा किस में अलग हो जाएगा, Me+ और OH- में, और ये जो OH- आयन्स है ये हमारे इस वाले H+ के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है, और बचेगा हमारा Me+, और ये हमारा क्या होता है, ऑरेंज कलर यहाँ पे शो करता है, ठीक है, ऑरेंज नहीं मतलब यहाँ पे इसका जो है अलग कलर होता है, रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, ये हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में येलो कलर शो करता है, यानी कि मिथाइल ऑरेंज हमारा बेस के अंदर जो है येलो कलर शो करेगा, क्योंकि बेस के अंदर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, और जब यहाँ पे ये एसिड के अंदर जाएगा तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, और इस यहाँ पे जो है एसिड के अंदर ये अपना जो है रेड कलर शो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की, जो कि है हमारी क्यूनोनॉइड थ्योरी। तो देखो जो हमारे ओस्टवाल्ड सर थे उन्होंने बात की थी हमारे इंडिकेटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन जो हमारी यहाँ पे क्यूनोनॉइड थ्योरी है ये बात करती है इंडिकेटर के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूनोनॉइड थ्योरी का मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दो टाटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिकेटर है वो यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो टॉटोमर्स हमारे आइजोमर के एक मतलब टाइप होते हैं, आप लोग यहाँ पे जो है कन्फ्यूज मत हो, बस जो है सिंपली समझो कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है उसकी यहाँ पे दो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एक केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेंजेनॉइड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, जैसे बेंजेनॉइड फॉर्म में हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और क्यूनोनॉइड फॉर्म में हमारी जो है कुछ इस टाइप की जो है रिंग हमें देखने को मिलती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इंडिकेटर जो है बेंजेनॉइड फॉर्म में होगा तो उसका अलग कलर होगा, और क्यूनोनॉइड फॉर्म में यहाँ पे हमें अलग कलर देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि द टू फॉर्म हैव डिफरेंट कलर्स, वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन बेसिक, यानी इसमें से कोई एक हमारी एसिडिक मीडियम में होगी और दूसरी हमारी बेसिक मीडियम में होगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जब यहाँ पे टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होता है तो मीडियम क्या होता है, एसिडिक से या बेसिक में चेंज होता है या फिर वाइस वर्सा, यानी अगर नीचे एसिड है, ठीक है, अगर हमारा फ्लास्क में एसिड है तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर बेस है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस, यानी आप लोग को पता है कि एसिड जब बेस में कन्वर्ट होगा तो उसका पीएच भी तो चेंज हो जाएगा, और जैसे उसका पीएच चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा टॉटोमरिक फॉर्म है वो यहाँ पे जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से जो हमारा इंडिकेटर है उसका यहाँ पे कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में फिर से जो है फिनोप्थिलीन के बारे में बात करते हैं। जैसे फिनोप्थिलीन क्या होता है कि जो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा फिनोप्थिलीन यहाँ पे बेंजेनॉइड फॉर्म में होता है जो कि क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, और जो हमारा बेसिक मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम होता है उसमें ये हमारा क्यूनोनॉइड फॉर्म में होता है जो कि हमारा पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी फिनोप्थिलीन की बेंजेनॉइड और क्यूनोनॉइड फॉर्म होती है। अब देखो मुझे पता है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो अगर आप लोगों को याद हो पाए तो याद कर लेना, अगर नहीं याद हो पा रही है तो अभी हम लोगों ने जितना पीछे देखा है आप लोग बस उतना लिख देना, उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स को, यानी कि जो हमारी टाइट्रेशन होती है एसिड बेस टाइट्रेशन उसमें हम लोग जो है बेसिकली जो है इन सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फिनोप्थिलीन हो गया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है ये कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है ये पिंक से जो है रेड कलर शो करता है। अब यहाँ पे देखो पीएच रेंज क्या होती है, देखो पीएच रेंज हमारी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि फिनोप्थिलीन हमारा बेसिक मीडियम में कलर चेंज करता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में पिंक से रेड कलर में हो जाता है, तो बेस हमारा बेस का जो है पीएच कितना होता है, 8.3 से लेके 11, यानी कि आप लोग को पता है 7 से ऊपर होता है ना, तो वही चीज़ होती है पीएच रेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में। तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो, जैसे मिथाइल ऑरेंज का यहाँ पे एसिड में रेड होता है, ठीक है, बेस में ऑरेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ के याद कर सकते हो, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी कभी जो है कुछ हमारे जो है एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग हो सके तो याद कर लेना, और बाकी जो है आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना और अपना फीडबैक भी देना कि आप लोग को जो है एनालिसिस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप लोग को यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और बाकी हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स के बारे में, ठीक है।